हमने कंसंट्रेशन स्टम्प्स पढ़ा, बहुत सारी अलग अलग कंसंट्रेशन स्टम्प। इन सभी कंसंट्रेशन स्टम्प्स में हमारे को एक ही चीज़ समझ में आई कि ये रेशियो है अमाउंट का सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का। मोस्टली केसेस में यही हमें देखने को मिला। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आई, क्या हम इस रेशियो को रेशियो ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस अंतर ये करेंगे कि जो अमाउंट है वो अमाउंट मोल की जगह मास में या मास की जगह वॉल्यूम में ला सकते हैं। ला सकते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और वो रेशियो हमारे लिए उस कंसंट्रेशन का नाम चेंज हो जाएगा और हम उनमें एक रिलेशन बनेगा। यानी दो अलग अलग कंसंट्रेशन में हमें रिलेशन बनाना है और ये बात हमारे लिए तय है कि ये कंसंट्रेशन रेशियो अमाउंट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि रेशियो है। आज समझना, एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए $1 ₹70 का है पक्का, तो पर डॉलर जो रुपीस की रेट आएगी वो कितना आ रहा है, ₹70 पर डॉलर रुपीस की रेट। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो क्या ये रेशियो चेंज हो जाएगा पर डॉलर रुपीस? नहीं। अमाउंट पे डिपेंड करता है? नहीं। पॉन्ड के लिए ये रेशियो अलग होगा, यूरो के लिए अलग रहेगा। तो कुल मिला के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। एक रेशियो को दूसरे रेशियो में, एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। रुपीस को डॉलर में, डॉलर को पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए रहेगा। समझ में आ रहा है? वो कन्वर्जन फैक्टर फिक्स रहेगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट लोगे कन्वर्जन फैक्टर वही रहेगा लेकिन दूसरा अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक सॉल्यूशन है जिसकी सपोज मोलरिटी दी गई है और मोलालिटी निकालनी है, तो जितनी ज्यादा मोलालिटी होगी उतनी ज्यादा मोलालिटी होगी। ये बात तो दिमाग में है लेकिन क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, वो उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप निकालते चले जाएंगे। सही है? वो कन्वर्जन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कन्वर्जन फैक्टर को निकालना है हमारे को, रिलेशन। तो हम एक तरह से पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा रहेगा कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन यूनिट टू अनदर कंसंट्रेशन यूनिट। लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन यूनिट टू अदर अदर कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है? तो मैं एक काम कर रहा हूं, हर एक कंसंट्रेशन को मोलरिटी के साथ कोरिलेट कर लेता हूं। तो शुरुआत में जो सबसे पहले हम कहेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ रहा है वो है, हेडिंग डलेगा हमारे लिए फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी यानी बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी में क्या रिलेशंस है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये रिलेशन हमें बनाना है। ठीक है? तो जब भी मैं कोई रिलेशन बनाता हूं तो मुझे ये मालूम है कि ये रिलेशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन समझाने के लिए, रिलेशन डेराइव करने के लिए मुझे अमाउंट लेना पड़ेगा तभी रिलेशन डेराइव होगा। वो और बात है कि वो अमाउंट इस तरह से कुछ भी लिया जाए रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, यहां पर आपके लिए की पॉइंट बनेगा, रिलेशंस जो भी आप कन्वर्जन है या रिलेशन, यहां पर भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑन एनी ऑन अमाउंट, ऑन गिवन अमाउंट कभी डिपेंड नहीं करेगा। बट क्या? बट फॉर डेरिवेशंस
वी नीड टू एज्यूम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमें एज्यूम करना पड़ेगा अमाउंट्स के बारे में. तो कैसे करें हम, क्या एज्यूम करें हम, वो अमाउंट एज्यूम करेंगे जिससे कन्वर्जन आसान हो, कैलकुलेशन आसान हो. तो फॉर विच वी एज्यूम सच अमाउंट ड्यू टू विच ड्यू टू कैलकुलेशंस बिकम इजी. ऐसा अमाउंट एज्यूम मत करना कि आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाए. ये आपके लिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हो गया. अब कैसे एज्यूम कर रहे हैं इसको बात समझने के लिए आप इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे. समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे हमारे लिए, सॉल्यूशंस. तो ये रहा हमारे पास एक बेसिक सा कंसेप्ट है. तीन ही टर्म हमारे पास आ रही है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस. क्या एज्यूम करना पसंद करोगे मोलरिटी से मोलालिटी की तरफ जाने में? आपको जाना है मोलरिटी से मोलालिटी. समझ में आ रहा है? तो एज्यूम करना बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. इसकी डेफिनेशन क्या है मोलरिटी की? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो आप क्या एज्यूम करो, वॉल्यूम 1 लीटर. कैलकुलेशन कितनी आसान रहेगी. तो जब आप 1 लीटर एज्यूम करोगे तो यहां पर सॉल्यूट के जो मोल हो जाएंगे वो होता है n मल्टीप्लाई बाय v, और v 1 ले रखा है तो मोलर रीटी ही मोल हो जाएंगे. मोलरिटी होता है वॉल्यूम, मोल की जगह अगर हम देखते हैं तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मोल होता है. तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अपन ने 1 लीटर ले लिया तो क्या लग रहा है आपको, मोलरिटी ही मोल हो गया. और वेट कैसे निकालेंगे आप, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, मोल नहीं दिया हुआ, हमें मोलरिटी दिया हुआ है. तो कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट. समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? आपने ये क्या एज्यूम करा था इस जगह, इसका जो वॉल्यूम है वो आपने क्या एज्यूम करा है, 1 लीटर. 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ml लिख सकते हो. क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डेंसिटी गिवन है आपको ग्राम पर ml में. तो ml से ml क्रॉस हो जाएगा, तो बताइए इसका मास कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1000 d. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ml से ml कट गया, 1000 ग्राम, 1000 d ग्राम. समझ में आ गया, ये इसका मास है, ये इसका मास हो गया ग्राम में. तो बताइए इसका मास कैसे निकालोगे आप, इसमें से माइनस कर देंगे. तो अगर आपको वेट निकालना हो किसका, सॉल्वेंट का, तो आप सॉल्यूशन में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1000 d माइनस कैपिटल m मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट. इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास हो गया 10. बोलो यस और नो. मैं ये वेट क्यों निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे छोटी मम्मी चाहिए, उसमें मुझे नीचे जो आता है वो सॉल्वेंट का वेट आता है. ये किसमें आएगा, ये किसमें था, ग्राम में, ये किसमें था, ग्राम में. तो ग्राम में ग्राम माइनस हो सकता है, हाँ. ग्राम में किलोग्राम हो सकता है, नहीं. किलोग्राम में ग्राम हो सकता है, नहीं. ग्राम में ग्राम हो सकता है, हाँ. तो नेट यूनिट भी क्या बनेगी, ग्राम.
समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताएं कि छोटी मम्मी की क्या डेफिनेशन होती है, मोल अपॉन वेट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या आपने यही डेफिनेशन पढ़ी है? हाँ यही पढ़ी है। तो आप बताइए मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? कैपिटल एम। देखो क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर लेते ही मोल इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम था, 1 लेते ही ये रहा। तो आपके पास मोलरिटी और मोल बराबर है इस जगह, वॉल्यूम 1 लेते ही। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला था हमने? 1000 D माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट अपॉन, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? केजी में, क्योंकि ये तो ग्राम में था। 1000 का डिवाइड कर दो तो फाइनली आपको क्या दिखाई देगा? स्मॉल एम यानी छोटी मम्मी, 1 छोटी मम्मी, ये 1000 ऊपर चला गया, 1 छोटी मम्मी इक्वल टू 1000 बड़ी मम्मी अपॉन 1000 डेडी माइनस बड़ी मम्मी मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट। कंफर्म? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये आपका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी में। क्या रिजल्ट है ये? 1 छोटी मम्मी इक्वल टू 1000 बड़ी मम्मी अपॉन 1000 डेडी माइनस बड़ी मम्मी मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट। कैसे डेराइव करा है? सबसे पहले तो कहां से कहां जा रहे हैं? बड़ी मम्मी से छोटी मम्मी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मम्मी की क्या डेफिनेशन है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो डिनोमिनेटर में है उसको इस तरह से एज्यूम करिए कि ऊपर की दोनों टर्म क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर हो गई वॉल्यूम 1 लेते ही, तो वॉल्यूम 1 लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मोलरिटी और मोल अब क्या हो गए? बराबर हो गए। हमें इसके मोल मालूम है, हमने इसका मास निकाल लिया मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, इसका वॉल्यूम मालूम था हमने एज्यूम करा था, हमने डेंसिटी दी गई है क्वेश्चन में, जरूरत भी है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया? मास। इसके मास में से इसका माइनस मास माइनस किया ये निकल गया, फिर हमें इसके मोल हैं, इसका मास है, मोलरिटी निकालने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेशन मालूम होने चाहिए। अगर हम उल्टा चलते, मोलरिटी से निकाल रहे होते तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम मानते ये 1 केजी है, फिर पूरा क्वेश्चन उल्टा होता। लेकिन एक अच्छी बात ये कि क्या हमारे पास ये रिलेशन आ गया? हाँ। और अगर हमें m को आइसोलेट करना है तो ये सारी टर्म लेके हम यहां से भी डेराइव कर सकते हैं। ओके, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम ऐसा है कि छोटी मम्मी से बड़ी मम्मी बता सकता है, बड़ी मम्मी से छोटी मम्मी की भी बता सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा हो सर आप 1 लीटर की जगह 2 लीटर यूज करते तो क्या होता? 2 लीटर यूज करते ये भी डबल हो जाता और ये भी डबल हो जाता, तो वो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं? मुझे अपनी कैलकुलेशन क्या है? कम रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये रेशियो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? नहीं। दैट मतलब अबाउ रेशियो इनडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द रिमार्क फर्स्ट। सेकेंड, छोटी मम्मी इक्वल टू 1000 बड़ी मम्मी अपॉन 1000 डेडी माइनस बड़ी मम्मी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, याद रखने में ही भलाई है। समझ में आ रहा है? लिखें इसको। देखिए ये बात तो तय आता है कि हमारी जो अप्रोच है वो सभी के लिए लगेगी, ये नहीं केवल यही। और ये जो मास था किसका था? सॉल्यूट का। मोलरिटी किसकी थी? सॉल्यूट की। तो मोलर मास भी किसका लोगे? सॉल्यूट का। तो ये ऑब्वियसली सॉल्यूट का ही रहेगा मोलर मास। आप चाहो तो यहां लिख लो, आपको कंफ्यूज हो तो सॉल्यूट। ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि सर क्या हम और भी कंसंट्रेशन यूनिट निकाल सकते हैं? हाँ, हमने यहां मोल क्यों नहीं निकाला इसका? जरूरत ही नहीं पड़ी। कब पड़ती? जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अगर हमारे को रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी बात होती।
कैसे? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है सॉल्यूट के? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या आप निकाल सकते हो इसमें? पूरा पूरा निकाल सकते हो। आप खुद ही देखिए सॉल्यूट के मोल कितने हैं। कैपिटल एम प्लस सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? आपको सॉल्वेंट का मास मालूम है, किसमें रखोगे? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ग्राम में कितना मालूम है आपको? इसका मास 1000 डी माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। फर्क क्या है? ये सॉल्यूट का था और ये सॉल्वेंट का आएगा। या सुनो, बस इतना सा करना है, ऊपर सॉल्यूट का मोलर मास, नीचे सॉल्वेंट का, लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो यहां पर भी हमारे पास जगह है, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस 1000 डी माइनस एम मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट अपॉन एम मॉलिकुलर वेट, ये सॉल्वेंट आएगा। सही है, लिखें इसको। और ऊपर क्या रहेगा? सॉल्यूट। टफ लग रहा है? नहीं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे मेरे साथ, तो सारे कन्वर्जन आपको सारे रिलेशंस एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ये दूसरा रिलेशंस आपके दिमाग में अब क्या चीज आ रही है, अब जो बोले वही मैं निकाल दूंगा। आपने कहा मुझे परसेंटेज, मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? एक्स सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं, एक्स सॉल्वेंट चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। वन माइनस एक्स सॉल्यूट, तो आपके पास सॉल्यूट है, वन माइनस करना है बस, ये लो एक्स सॉल्यूट करना है, ये हो गया आपका काम। आपको क्या चाहिए आप बोलो बस। आपको चाहिए पीपीएम पीपीबी, सब कर लोगे क्यों? क्योंकि आपके पास ये चार्ट है। फिर बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस सिखा देगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार हम इस बात पे सोच सकते हैं कि कौन सी चीज किसमें एज्यूम करने पर कैलकुलेशन आसान रहेगी। चलिए देखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं किसके लिए क्या एज्यूम किया जाए। तो आप ही मुझे बताएं कि आप, अगर आपके पास कंसंट्रेशन यूनिट दी गई है और आपको एज्यूम करना पड़े, मेरी अप्रोच में क्या एज्यूम करना है, तो आप मेरे को बताएं। फर्स्ट कैपिटल एम मोलरिटी के लिए क्या यूज करेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, मोलरिटी दी गई है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे? मास। बिल्कुल सही, मास ऑफ सॉल्वेंट साथ के साथ लिखें भी इज 1 kg। समझ में आ रहा है? थर्ड परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी है, तो डिनोमिनेटर में जो है उसके एज्यूम में वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को। कितना एज्यूम करेंगे? 100 ml, क्योंकि यहां पर 100 मल्टीप्लाई होता है ना, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 एज्यूम करने से वो कैलकुलेशन आसान होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इज एज्यूम 100 ml, ml में करना। फोर्थ परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू
मास ऑफ सॉल्यूशन इज एज्यूम 100 ग्राम. कोई ज्यादा दिक्कत आ ही नहीं रही है. फिफ्थ पीपीएम पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूशन इज एज्यूम 10^6 ग्राम. बिल्कुल सही है. सेवेंथ सेवन नहीं सिक्स मोल फ्रैक्शंस क्या एज्यूम करें. सॉल्यूशन यानी टोटल मोल कंटेनर में 1 है. एज्यूम टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल. तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है किसमें क्या एज्यूम करा जाए. और हम अगर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए बहुत छोटा सा फॉर्मेट में ही सारी चीजें हम कर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या बनेंगे. मैं 3-4 एग्जाम्पल कर देता हूं अलग अलग चीज को लेते हुए, बाकी सब कंसंट्रेशन निकालना. समझ में आ रहा है. इफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ एल्कोहल C2H5OH इन एक्वा सॉल्यूशंस, एक्वास का मतलब पानी, एक्वा सॉल्यूशंस इज 0.2 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस इज 1.2 ग्राम पर एमएल. हाइपोथेटिकल डाटा दिए. फाइंड ऑल कंसंट्रेशन यूनिट. तो सॉल्यूशन बनाना है हमारे को इसका. कैसे बनाएंगे. बच्चों वाला मेथड यूज करना है. बच्चे ही हैं हम. क्वेश्चन जरूर बड़ों वाला है. C2H5OH दिया इसलिए H2 C2H5OH एक्वास लिखना पड़ेगा. क्यों. क्योंकि ये सॉल्यूशन है. यहां C2H5 प्योर सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन. अब देखो क्या एज्यूम किया जाए. क्या दिया गया है. मोल फ्रैक्शन दिया है. एज्यूम कर लो टोटल मोल 1. तो बताइए इसके मोल कितने हो जाएंगे. एन C2H5OH कितना हो जाएगा. 0.2 क्योंकि मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2. तो एक मोल में जो मोल है वही मोल फ्रैक्शन कहलाता है. यस और नो. तो इसके मोल कितने हो जाएंगे जल्दी से बोल दीजिए. 0.8 1 में से माइनस कर दो. सबके मोल आ गए. मास आ गया. इसका मास कितना हो जाएगा. 0.2 मोल है. मल्टीप्लाई पर मोलर मास कितना है जल्दी से बोलो. इसका 12 × 2 = 24 चौबीस और 16 कितना हुआ 40 46 46. यस और नो. तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 46 पॉइंट. अगर यहां वेट निकालना है H2O का 0.8 मल्टीप्लाई बाय 18. इज दैट क्लियर. अब बचाओ बताओ इसका मास कितना होगा. टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा. आप इसको मल्टीप्लाई करो. 6 × 2 = 12 4 × 2 = 8 तो कितना हुआ 92.92 ग्राम. समझ में आ रहा है. 9.2 ग्राम. हाँ या ना. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा. अभी तो प्लस करना बाकी है बेटा. प्लस इससे मल्टीप्लाई करें. C
सही है, 14.4 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.6, और हमारे लिए 23.6 ग्राम। बोलो कुछ कुछ समझ में आया? इसका मास आ चुका है आपके पास, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम भी निकाल लें। डेंसिटी क्या दी हुई है आपको, 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर एमएल। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, डिवाइड करो इसको, यूनिट से कराया मैंने, ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर एमएल। डिवाइड क्यों किया, जिसे ग्राम से ग्राम काट चुके हैं, और आपके पास क्या आएगा लास्ट में, 23.6 अपॉन 1.2 एमएल। इसका वॉल्यूम मालूम पड़ गया, इसके मोल भी मालूम है, मास भी मालूम है, मोल भी मालूम है, मास भी मालूम है, सारी कंसंट्रेशन यूनिट लाइन से निकाल डालो। इसका मास भी मालूम है, वॉल्यूम भी मालूम है, सब चीजें मालूम है, तो कैजेंसी यूनिट निकाल सकते हो। तो ये अप्रोच हमारे को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। कुछ समझ में आया, बाकी आपकी प्रैक्टिस। तो अगर मैं इसका यूज करना चाहता हूं, तो मैं सारी चीजें एक साथ निकाल लूंगा। उसने तो सभी पूछा है मोल फ्रैक्शन देखे, तो चलो एक एक करके निकालते। फर्स्ट, बड़ी मम्मी की वैल्यू क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 0.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कहाँ है, वो रहा 23.6 अपॉन 1.2, लीटर में चेंज करो इसको, 1000 का डिवाइड कर दो, हो गया। बड़ी मम्मी निकाल दिया, यूनिट क्या होगी बड़ी मम्मी की, मोलर। छोटी मम्मी निकालते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमने वहां निकाला था 14.4 डिवाइडेड बाय 1000, ऊपर चला जाएगा मोलल, सही है। थर्ड, मोल फ्रैक्शन, अरे वो तो दिया ही था हमारे को, मोल फ्रैक्शन तो दिया था, तो वो तो ही ना निकालेंगे, वो तो 0.2 दिया ही आपको। अगला, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। डब्ल्यू क्या है, सॉल्यूट का वेट, कितना है हमारे पास, 9.2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 23.6 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, 9.2 वॉल्यूम कितना है, एमएल में ही रखना है, 23.6 डिवाइडेड बाय, ऊपर ले जाते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। यहां वी बाय वी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअली इसकी डेंसिटी नहीं दी गई है, इसलिए वी बाय वी नहीं निकालूंगा मैं। फिफ्थ, और क्या निकालने को बोल रहे हो, पीपीएम निकाल लो, पीपीएम भी कौन सा बड़ा बात है, वेट, बस अंतर ये है कि यहां पर क्या लिखना है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू को ही, बस 10 पावर 6, तो 9.2 डिवाइडेड बाय 23.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, और अगर ये 10 पावर 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीपीबी। तो कहीं कोई कैलकुलेशंस, कोई समझने में दिक्कत आ रही है, पक्का करें। एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, 2.5 एम, स्मॉल एम यानी कि छोटी मम्मी गिवन है आपको, ऑफ H2SO4 एक्वस Having density, density दी जाती है, कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी नहीं भी पड़ती, 1.2 ग्राम पर एमएल दे दिया मैंने। Then find all other concentration unit, all other,
कंसंट्रेशन यूनिट। डेंसिटी की कब जरूरत पड़ेगी कब नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंसंट्रेशन दी है और क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोलरिटी मोल डिवाइडेड बाय मास वाली है और मोलरिटी पूछ रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, तो मास को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मास से मास में जा रहे हो या मास से मोल में जा रहे हो तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए तो इसका आंसर बनाते हैं अपन सॉल्यूशंस। हमेशा की तरह तीन डब्बे, क्या एज्यूम करोगे? छोटी मम्मी दी हुई है 1000 ग्राम, सही है। इसके कितने मोल होंगे जल्दी बोलो, 2.5 मोल, सही है। 1000 ग्राम H2O है, कैसे पता चला? एक्वास लिखा हुआ है। ये कौन है? H2SO4 है। एक ऐसी टर्म जो तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं और वो है, पता है कौन सी? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। कितना आसान है, देखो 2.5 मोल है ही हमारे पास सॉल्यूट के, टोटल मोल कितने होंगे? 2.5 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 18। क्या इसके मोल बताना मुश्किल था आपके लिए? मोल बहुत आसान था। तो आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ी नहीं। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कैसे करोगे? मोल मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98 अपॉन टोटल मास, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1000 टोटल मास आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। इजी और वेरी इजी? वेरी इजी। परसेंटेज, अब बाकी डब्ल्यू बाय वी या पीपीएम निकालना हो तो भी आसान है। पीपीएम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, पीपीएम आ गया, पीपीबी आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। अब मेरी कौन सी टर्म्स बची रही हैं जिसमें वॉल्यूम आ रहा है? तो वॉल्यूम निकालना बड़ी बात नहीं है। इसका मास कितना हो जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1000, ये तो इसका मास आ गया ग्राम में। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जैसे ग्राम से ग्राम कट जाए। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml, ml आ गया। तो अब आप कौन सी निकाल सकते हो? बड़ी मम्मी, मोल ऑफ सॉल्यूट 2.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आप 2.5, ये ml में ध्यान रखना, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1000 अपॉन 1.2 डिवाइडेड बाय 1000 होगा जो मैं ऊपर ले जा रहा हूं, हो गया। बड़ी मम्मी हो गई। परसेंटेज w बाय v, मास आपके पास है कितना है आपके पास? W 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98, वॉल्यूम ml में ही लिखना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1000 अपॉन 1.2 बस, और यहां मल्टीप्लाई बाय 100। इजी और वेरी इजी? वेरी इजी। तो लिखें इसको,